इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, बेलगाम के तमाम उलमा इकराम से राफ्ता रखा हुआ है और उनकी हिदायत यह है कि शबे बारात के मुबारक दिन पर हम अपनी नमाज़ें घर पे पढ़ें और इसके साथ ही साथ दुआएं और फातिहाएं भी घर पे पढ़े। कोई मस्जिद की तरफ ना जाए क्योंकि गवर्नमेंट का लॉकडाउन और उनके रिस्ट्रिक्शंस जारी है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड, इमारत शरिया, इदारे शरिया की तरफ से भी यही एडवाइजरी आई है। हम अंजुमन इस्लाम से आप सबसे अपील करते हैं कि ये आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें और बाहर जाने की मनाही है तो आप घर से बाहर ना निकले। ये हमारे सेहत के लिए यही अच्छा है आज के कोरोना वायरस के जो चलते और जो बीमारी फैलते जा रही है। साथ ही साथ हम ये भी आपको दरख्वास्त आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप पुलिस का साथ दीजिए। ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, पुलिस का साथ दीजिए, वो आपके साथ में है, हमारे साथ में है और ये हमारी हिफाजत के लिए है। पुलिस इंस्पेक्टर हो या बड़े कमिश्नर साहब हो या डीसीपी मैडम हो या एसपी मैडम, एसपी साहब हो या इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, ये भी अपनी फैमिली को छोड़ के हमारी हिफाजत के लिए और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल का स्टाफ, ये भी पूरे हमारी हिफाजत के लिए और हमारी सेहत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे सबका ये फ़र्ज बनता है कि हमें ये सब इनका साथ दे और कोई ऐसा काम ना करे जहाँ पे हमें शर्मिंदगी हो। आप सबको शबे बारात के मौके पर जो भी एडवाइजरी दी गई है वो आप फॉलो करें। आखिर दौला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपके सामने सदर अंजुमन ने आपको हिदायत दी है और वक्फ बोर्ड को भी ये फ़ोन मस्जिदों से आ रहे हैं कि शबे बारात के मौके पर या रोज़ाना मस्जिद में अज़ान नमाज के सिलसिले में 23 तारीख का सर्कुलर जो पहले आया था उसके बाद कोई नया सर्कुलर नहीं आया है कि धीमी आवाज़ में अज़ान देकर इमाम और मुअज़्ज़िन और एक आदमी हो, एक आदमी स्टाफ का हो, वही मस्जिद में नमाज़ पढ़े। मस्जिदों में अक्सर भीड़ भाड़ या किसी डिपार्टमेंट से उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आपकी हिफाजत के लिए
और आपकी अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट का भरपूर ताउन करें, साथ दें। रही बात कल शब बारात की, हुकूमत के भी जानिब से और अंजुमन की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि कल कब्रिस्तान की तरफ रुख ना करें, अपने मरहूमीन के लिए इशारे सवाब के लिए फातिहा खानी जो है अपने घरों में ही दें। आखिर दवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।